जय हिंद साथियों, आज का ये जो वीडियो है यह आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेकर है। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जिन लोगों को बात सीधी नहीं समझ में आती तो उनको अपने हिसाब से बात समझानी पड़ती है। ये बात पूरी तरीके से रेलवे में एकदम फिट बैठती है, चाहे वो एनटीपीसी की एग्जाम डेट हो या फिर कह सकते हो कि एनटीपीसी की आंसर की एनटीपीसी का रिजल्ट, या फिर अगर आरआरसी की बात करें तो आरआरसी की ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेकर हो, या फिर बच्चों के जो फॉर्म रिजेक्ट थे उनकी मॉडिफिकेशन लिंक को लेकर हो। हर मामले में रेलवे चाहता है कि बच्चा लोग प्रोटेस्ट करे, बच्चा लोग आंदोलन करे, तब कहीं जाके वो किसी भी तरीके की एग्जाम डेट या आंसर डेट रिलीज करे। तो ठीक है ना, अगर रेलवे ऐसा चाहता है कि हर मामले में एक आंदोलन खड़ा होना चाहिए, तो भाई हम लोग कहां पीछे हटने वाले। अभी जैसे कि मैंने आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा जो वीडियो है ये इसी बात पर आधार है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब लोग एकदम तैयार हो जाइए। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल सुबह 10 बजे, कल की जो डेट है वो याद करके रखिए, सुबह 7 अगस्त सुबह 10 बजे आप लोगों को क्या ट्वीट करना है। और साथ साथ ये वीडियो फॉर्म रिजेक्शन मामले में भी है, जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उस बात को लेकर भी है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ क्या दिक्कत है। ठीक है, तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, हम लोगों का जो मुद्दा इस समय चल रहा है, जो खासतौर से रेलवे के स्टूडेंट है उनके ये कुछ मेन मुद्दे हैं, इनको ये समझना पड़ेगा रेलवे वालों को कि ये सारे के सारे जो मुद्दे हैं इनको जल्द से जल्द जो है क्लियर करें। क्या है मुद्दा? तो पहला जो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट। आपको बता दें एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, 7वां फेज कंप्लीट हो चुका है, तो अब किस बात की देरी। तो एनटीपीसी के एग्जाम के बाद आपको आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट जल्दी से जल्दी रिलीज करनी है। अभी इस बात को मैं आपको बता दूं हुआ क्या था। अभी जब फोटो मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कोर्ट में केस चल रहा था, वो केस पूरी तरीके से रेलवे के फेवर में दिया है। अब जब केस पूरी तरह से रेलवे के फेवर में दिया है तो भाई आप लोग एग्जाम डेट को जारी कीजिए ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो पहला मुद्दा था वो आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट था, और दूसरा जो मुद्दा है वो कई सारे स्टूडेंट पे जो फॉर्म रिजेक्ट हो चुके हैं। फॉर्म रिजेक्ट इस वजह से हुआ है कि उनकी फोटो क्लियर नहीं आई या फिर किसी तरह का बैकग्राउंड नहीं दिया। अरे मालिक, इससे खराब फोटो तो आधार कार्ड में होती है। जो आधार कार्ड है वो तो भारत सरकार का है, क्या उन्होंने आधार कार्ड को रिजेक्ट कर दिया क्या? आप खुद सोचो। अरे ठीक है, वो फोटो जो है आपके क्राइटेरिया को फिल नहीं करती थी, तो एक मॉडिफिकेशन लिंक तो दो ना। तो आपको मॉडिफिकेशन लिंक देनी चाहिए ताकि जिन बच्चों का कई लाख स्टूडेंटों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, एटलीस्ट वो लोग जो है दोबारा इस एग्जाम में अप्लाई एलिजिबल तो हो सके ना। तो मैं ये बात समझ लीजिए सब लोग कि आप लोगों को ये जो दूसरा मुद्दा है ये भी उठाना है, और तीसरा जो मुद्दा है वो एनटीपीसी का रिजल्ट और एनटीपीसी की आंसर टी है क्या ना। एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद इन लोगों को आंसर टी रिलीज कर देनी चाहिए थी ताकि हम लोग आगे का प्रोसीजर और देख सके। अब आंसर की आएगी तभी उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो इसमें देरी किस बात की। इनको भी ये भी हमारा मुद्दा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये क्या है, फेक नोटिस। मैं आपको बता दूं, पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट को लेकर हो, चाहे 21 अगस्त हो या 16 अगस्त हो, एक लोगों ने तो पूरी तरीके से ये तक बता दिया कि आपका जो एग्जाम डेट है वो इस दिन होगी, एनटीपीसी का रिजल्ट इस दिन आएगा, एनटीपीसी की आंसर की इस दिन आएगी। तो ये सब फेक नोटिस अगर आ रही है, इनको माना जी रेलवे रिलीज नहीं कर रहा, तो जो भी रिलीज कर रहा है उन पर ये एक्शन जरूर होना चाहिए, वो भी रेलवे की तरफ से हो। तो इन सारे मुद्दों को रेलवे तक पहुंचाने के लिए हमें ट्विटर में कैंपेन करना है। वो कैंपेन क्या है मैं आपको बता दूं, हम लोगों को करना क्या है, कल की डेट भाई सब लोग याद रखिएगा, हम लोग को करना क्या है, कल की डेट है 7 अगस्त, सुबह 7 अगस्त ठीक 10 बजे, ध्यान दीजिएगा ठीक 10 बजे आपको 3 हैशटैग यूज करने हैं रेलवे को ट्वीट करने के लिए। ये हैशटैग एकदम जैसे हूबहू मैंने बताया है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी YouTube चैनल वाले हैं, चाहे वो एवरीडे वाले हो या और कोई हो, वो ज्यादातर यही हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो सारे हैशटैग आपको सेम रखने हैं, अगर आप सेम रखोगे तभी ये ट्रेंडिंग में आएगा, तभी रेलवे की कह सकते हो नींद खुलेगी। क्या है हैशटैग जो रेलवे को आपको ट्वीट करना है? तो पहला जो हैशटैग है वो है #conduct_RRC, उसके बाद ग्रुप डी तो देख लीजिए, बिना गैपिंग के लिखा है ग्रुप डी _exam,
सबसे पहले तो आपको ये हैशटैग यूज करना है ट्वीट करने के लिए। दूसरा हैशटैग है, अच्छा ये जो पहला हैशटैग है ना, ये पहला हैशटैग ध्यान रखना, ये आरआरसी ग्रुप डीटी एग्जाम डेट को लेकर है। दूसरा हैशटैग देखिए, डिक्लेयर अंडरस्कोर आरआरबी अंडरस्कोर एमआई रिजल्ट, ये दूसरा हैशटैग है जो कि एमआई कैटेगरी के रिजल्ट के लिए है, जिसमें कुछ लाख स्टूडेंट ही कह सकते हो पेपर दिए थे, फिर भी वो रिजल्ट अभी तक रेलवे पास नहीं कर पा रहा, निकाल नहीं पा रहा। और जो तीसरा हैशटैग यूज करना है वो मॉडिफिकेशन लिंक अंडरस्कोर आरआरसी अंडरस्कोर ग्रुप डी एग्जाम, मतलब ग्रुप डी एग्जाम में आपको मॉडिफिकेशन लिंक भी प्रोवाइड करनी चाहिए जिन बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। तो आपको ये तीन हैशटैग यूज करने हैं, और जो रेलवे को ट्वीट करना है टाइमिंग सबको नोट करके रखनी है, आपको 7 अगस्त सुबह 10 बजे कल, मतलब 7 अगस्त सुबह 10 बजे एक साथ ट्वीट करना है। जब आप एक साथ ट्वीट करेंगे तभी ये आपका ये हैशटैग जो है ट्रेंड में आएगा, तभी रेलवे की नींद खुलेगी। ठीक है, तो चलो फिर कल सुबह 10 बजे एक बार फिर से मिलेंगे और देखेंगे कि ये ट्वीट हमारा कौन से नंबर पे है, ट्रेंडिंग पे है कि नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग किस परेशानी से झेल रहे हो रेलवे को।